कोरोना के लॉकडाउन पे जिस तरह से भारत लॉकडाउन है, जहां पर 4 दिन का लॉकडाउन बचा हुआ है, लेकिन इस तरह से जहां पर जो समाज सेवक है, जो अपने माध्यम से ऐसे गरीब लोगों के लिए, जिनके घर में 1 दिन का चूल्हा जलता है, ऐसे लोगों के लिए खापरखेड़ा की ओर से सागर भाऊ, साथ में संजय यादव जी, सुनील यादव जी, साथ में बागड़े जी, और यहाँ पर सुनील भाऊ, साथ में भागीरथ जी, ऐसे तमाम लोग जो आप देख सकते हैं जनता दर्शकों की, जिस तरह से गरीब तबके के लोग हैं, जो 1 दिन का काम करके अपने सुबह का काम करने के बाद में शाम को अपने घर का चूल्हा जलाते, ऐसे लोगों को यहाँ पर 5 किलो का आटा का वितरित किया जा रहा है। और एक मिसाल है इस एरिया की, जहाँ पर अलग अलग संस्था के माध्यम से जो लोग यहाँ पर वितरित तो करें, लेकिन हमारा एक मकसद है, इस संस्था का एक मकसद है कि अपने माध्यम से जो गरीब, हर भारत का गरीब तबके का लोग यहाँ पर भूखा ना रहे, उसके माध्यम से यहाँ पर आटा वितरित किया जा रहा है। 5 किलो के आटे का बैग यहाँ दिया जा रहा है कि करीब 1 हफ्ता तो वो जो गरीब तबके का लोग वो भूखा ना रहे। हमारे साथ में सुनील यादव जी है, साथ में संजय यादव जी है, जानते हैं उनसे। सुनील भैया, 5 किलो का आटा देना एक राहत की बात है, गरीब तबके के लिए लॉकडाउन है, फिर से लॉकडाउन बढ़ने वाला है, क्या कहेंगे? ये दिल्ली के जो मजदूर है, मजदूर बेसिस पे है, और ये कोरोना का इतना बड़ा कहर है कि इसको घर से आदमी निकल नहीं सकता, इसलिए गरीब लोगों को राशन खाने पीने की जो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सागर की तरफ से। सागर, वो मैं आपके पास आऊंगा, सिर्फ इतना ही चाहूंगा, आपके माध्यम से आप जो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या आपकी इच्छा है कि भारत में कोई भी गरीब भूखा ना रहे? कोई भी गरीब घर से ना निकले, ये तो सबसे निवेदन हाथ जोड़ के है, अपनी सुरक्षा रखे और लोगों की भी सुरक्षा बनाए रखे, और सब जन घर में रह के जो भी जिनके पास में है वो उनका थोड़ा बहुत सहयोग कर सके बस। संजय भैया, मैं आपके पास आऊंगा, देखा जा रहा है स्वयंसेवी संस्था बहुत सारी है, 5 किलो का आटा देने से 1 हफ्ता तो वो उसके परिवार के साथ वो खाएगा, रोटी बना के खाएगा, जहाँ पर दाल चावल और रोटी साथ में खाएगा, एक बहुत अच्छा कार्य है, क्या कहेंगे जो जनता, गरीब जनता है, क्या कहेंगे, क्या हिदायत देंगे कोरोना के पार्श्व में? सबसे बड़ी पहली हिदायत है कि ये लोग घर के बाहर ना निकले, ये रोग बहुत खतरनाक है और पता नहीं चलता है, और इन लोग बेचारे डेली कमाने, डेली खाने वाले हैं, इनके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए इनका जो है देख रेख करना बहुत ही जरूरी हम लोग का है, क्योंकि बेचारों का काम बंद हो गया है। लॉकडाउन बढ़ने की स्थिति है, लॉकडाउन अगर और बढ़ेगा तो भारत की स्थिति और ज्यादा विकट होगी। जो लोगों के हाथ में काम है वो तो अभी तो फिलहाल तो सब लोग घर बैठे, काम नहीं है, लेकिन स्वयंसेवी संस्था, आपके जैसी स्वयंसेवी संस्था जो एक हाथ बढ़ा रही है, एक सरकार को एक और सहायता कर रही है, तो ऐसे स्वयंसेवी संस्था सामने आए और हाँ आना चाहिए, तो अभी जो है क्या करें बेचारे, ये भी मजबूर हैं, इनको तो हम लोग जो है बता रहे हैं घर से बाहर मत निकलो, और 5 किलो की राशन की बोरी दिया जा रहा है कि जब तक 8 दिन 10 दिन तक बेचारे अपना कैसा भी अपना परिवार पालें, और इनको कोई चीज की कमी बेसी है तो ये भी फोन करने के लिए उस दिन टीआई साहब पास नंबर करके हेल्प भी ले सकते हैं, ऐसा इन लोग को तो बताया गया है। केके जी, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, संक्षिप्त रूप से सैनिटाइजिंग डालने के बाद में आटे की बोरी का वितरित किया जा रहा है, तमाम भारत में अलग अलग है, लॉकडाउन समय बढ़ते जा रहा है, अभी और 30 तारीख तक के लॉकडाउन होने वाला है, तो इस समय में जो गरीब जनता है, जो 1 दिन का सुबह जाती है काम पे, शाम को वापस आती है, और 1 दिन का खाना बनता है, ऐसे राहत दिया है अपने 5 किलो की बोरी, क्या कहेंगे? मैं इनसे एक ही संदेश देना चाहूंगा इनको कि आप कम से कम घर से बाहर ना निकलिए, और सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, मास्क लगाइए, और आपके बाजू में कोई अगर परेशान है, भूखा है, तो पुलिस स्टेशन में हमारा सभी का नंबर है, वहाँ जाके आप अपनी परेशानी दिखा बता सकते हैं, और पुलिस स्टेशन को फोन आएगा, हम आपकी मदद करने को तैयार है, आपसे एक ही विनती है कि घर से बाहर ना निकलिए। घर से बाहर आने के दर्शकों, ये देख सकते हैं कि ये पूरा जो आप पीछे देखिए, मेरे कैमरामैन से मैं गुजारिश करता हूं, ये पूरा जो वर्ग है, ये जो काम करता है, ये हाथ की मजूरी का काम करता है, सुबह काम पे जाता है, शाम को अपने पेट भरता है, ऐसे लोगों के लिए या ऐसे गरीब तबके के लोगों के लिए यहाँ पर आटे की बोरी का वितरण किया गया है, और साथ में ये भी बताया गया है कि सैनिटाइजर लगाइए, मास्क लगाइए, और जिस तरह से कोरोना की पार्श्वभूमि पर जैसे महाराष्ट्र की बात की जाए, तो कोरोना की पार्श्वभूमि में महाराष्ट्र के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे, और सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज महाराष्ट्र में पाए जा रहे। नागपुर की बात की जाए तो कल 25 यहाँ पर मरीज कोरोना में पाए गए, और ये आंकड़ा अगर बढ़े ना तो आप घर पे ये सुरक्षित रहे, और जिस तरह से कोई भी चीजों की अगर आपको, अगर आपका पेट अगर खाली होगा तो आप पुलिस विभाग के हमारे सुनील भैया यादव से भी संपर्क कर सकते हैं, साथ में यहाँ के पीआई साहब उनसे भी संपर्क करते हैं, हम आपकी मदद के लिए ये स्वयंसेवी संस्था जरूर आपको इस तरह की मदद करेंगे। तो दर्शकों, हम लोग एक खबर से आपको रूबरू करते हैं, और भी खबरों से रूबरू करेंगे, तब तक के कैमरा पर्सन सुखदेव के साथ मैं शैलेश डोरे,
विदर्भ टीवी नागपुर।